वीरवार को महिला आयोग और प्रशासन की संयुक्त बेंच ने जींद जिला मुख्यालय पर हिंसा, यौन शोषण और अन्य मामलों की पीड़ित महिलाओं की सुनवाई करते हुए प्रशासन को अनेक मामलों में उचित कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। गौरतलब है कि पहली बार जींद के जिला मुख्यालय पर महिला आयोग द्वारा पीड़ित महिलाओं की सुनवाई की गई। सफ़ेदों की सुशीला नामक महिला ने शिकायत की थी कि एक रसूखदार के परिवार द्वारा उनके घर आकर पिटाई की गई थी, लेकिन सफ़ेदों पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन आज महिला आयोग ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके चालान कटवा दिए। महिला आयोग द्वारा मुख्यालय पर हुई सुनवाई में महिलाएं काफ़ी संतुष्ट नजर आईं और उनका कहना है कि पहले उनको अपने मामलों के लिए पंचकूला जाना पड़ता था, जहां उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होते थे, लेकिन मुख्यालय पर प्रशासन की मौजूदगी में खुलकर अपनी शिकायतें रखने का मौका मिला और यहाँ पर तुरंत कार्रवाई भी की गई है, जिससे उनको उम्मीद है कि अब उनको जल्द इंसाफ मिलेगा। गौरतलब है कि सरकार ने फैसला लिया है कि जिस जिले में 50 से ज़्यादा शिकायतें मिलेंगी उनकी सुनवाई जिला मुख्यालय पर ही की जाएंगी। जिनके DRDA में पहले दिन महिला आयोग ने 24 शिकायतों पर सुनवाई शुरू कर दी है और 19 शिकायतों पर शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी। जींद से ऋषि मेहंदीरत्ता, आज़ाद TV न्यूज़। आज तो मैं थोड़ा सा खुश हुई हूँ क्योंकि मुझे पंचकुला जाना पड़ता तो ये यहीं पर आ गए हैं। मैंने इनके आगे अपनी बात रखी है तो ये कार्रवाई करवाने के लिए बोल रहे हैं। SP सर के कहने के बाद थोड़ी बहुत ही कार्रवाई तो हुई है, इन्होंने थोड़ा सा मुझे सपोर्ट किया है कि हम आगे कार्रवाई करवाएंगे। SP साहब की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया, मुझे न्याय दिलवाया, उनको उनके चालान कटवाए और भाई हमारे साथ पूरा सहयोग किया। सफेदा प्रशासन ने हमारे साथ कोई भी सहयोग नहीं किया, ना हमारे फेवर में कोई कार्रवाई की। वो सफेदा चेयरमैन के भतीजे होने के नाते वो जो चेयरमैन बोलता है वही सफेदा प्रशासन कार्रवाई कर रहे हैं। चेयरमैन के भतीजे होने के वो अभी भी हमें धमकी देते हैं और वही हमें हमारे ऊपर समझौता करने का दबाव भी डाल रहे हैं। हाँ भैया, जैसे पंचकुला नहीं जाना पड़ता, माल इतनी दूर जाएंगे बड़ी दिक्कत आती है लेडीज को, तो ये नज़दीक जिन तो फिर भी हमें नज़दीक पड़ता है आने जाने में, तो ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। तो आपको भी किस तरह की धमकी दे रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल देते हैं, क्या बोलते हैं? भी गवाह को भी देखेंगे, हमारे थोड़ा सा सूता लेने दे। इतने लंबे समय बाद हुई है, उसके पीछे जो रीजन है, आगे आइंदा ऐसा ना हो, आप पुलिस प्रशासन को थोड़ा अलर्ट करें और जो महिला पुलिस कर्मचारी ASI जो भी वहाँ बैठती हैं उनसे कहें कि उनकी शिकायत दोबारा ना आए। बता रहे हैं वो सही पाएगी जांच में तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, जो भी अगर कोई लापरवाही करता है तो उसके सर।